गाइस ऐसे करके आप अपने ब्लॉग को एकदम रॉकेट की तरह स्पीड दे सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 25% था, उसके बाद हमने किया 78% नॉर्मल जब एम पे इंस्टॉल किया थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बाद। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन जब दिया हमने तो 83% गया। एंड फाइनली देख सकते हो जब ये वाला डिज़ाइन एंड थोड़ा बहुत चेंजेस किया तो हमारा जो ब्लॉग है एकदम रॉकेट की तरह फास्ट हो गया। आज के टाइम पे बात करते हो यार, हर बड़े बड़े वेबसाइट्स और न्यूज़ कंपनीज की बात कर लो, किसी किसी भी बड़े वेबसाइट की बात कर लो, सभी यूज़ करते हैं एएमपी यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पे, जो कि बहुत ही अल्ट्रा फास्ट लोडिंग के बारे में जाना जाता है एंड आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो एक्चुअली ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेटिंग पे थे यार, एफिलिएट का सीरीज चल रहा है लेकिन उसके बीच में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई वर्डप्रेस पे कैसे एएमपी इंस्टॉल करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताइए, एड्स कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या कुछ वगैरह वगैरह डिजाइन वगैरह कैसे करें, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड यार आई थिंक आपको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पर सिंपली जस्ट एक प्लगइन के थ्रू होगा एंड बिल्कुल फ्री होगा। तो यार चलो यार अभी जाते हैं डेस्कटॉप में एंड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एएमपी को कैसे आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर आपको एटलस बहुत सारे एएमपी का जो है प्लगइन आपको मिलेगा। यहाँ पर एक है ओनली एएमपी नेम से, जो कि लाइक वर्डप्रेस के और से डेवलप किया गया है, वर्डप्रेस गूगल वगैरह सब कुछ ने जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है। और एक ही एम पी फॉर डब्ल्यू पी एक्सेलरेटर मोबाइल पेज, ये भी काफ़ी अच्छा है। इन सभी में से आज के वीडियो में इस वाले जो प्लगइन है इसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे इसको आप इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आप इसका रेटिंग देख सकते हो, इंस्टॉलेशन देख सकते हो, उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको एक्टिव कर लीजिए। अब गाइस इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पर नो थैंक्स करते। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं जो कि लाइक दूसरे प्लगइन्स पे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इस प्लगइन को चूज़ किया। तो हम एक एक करके इसको सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके पास सामने जो दो पेज आ चुका है। सबसे पहले तो हमारा ये वाला पेज था जो कि लाइक नॉर्मल हमारा जो यहाँ पर थीम यूज़ किया है मैंने, वॉइस थीम को यूज़ किया है। अब अगर यहाँ पर विजिट एएमपी थीम पे क्लिक करते तो हमें पता लगे कि एक्चुअल में लाइक हमारा जो एएमपी थीम है वो कैसा लुक दे रहा है ना। एंड डेस्कटॉप पे व्यू करके कोई भी यहाँ पर ये नहीं है, हमें तो सिंपली मोबाइल पे व्यू करना है। तो सिंपली हम मोबाइल पे इस पर व्यू करते हैं, देखते हैं कैसे। सो अभी यहाँ पर देख सकते हो लाइक किस तरीके से आपको जो है मोबाइल पे दिखेगा, है ना, अगर आप एएमपी वर्जन को यूज़ करते हो तो। अब यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, इसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जनरल पे जाते हैं। जनरल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो एमएस हेल्थ लाइन दिखा रहा है यहाँ पर आपका लोगो शो हो तो आप यहाँ पर लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोगो वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि यार आप एएमपी यूज़ कर रहे हो डेफिनेटली आपको जो कंटेंट है उसको स्पीड अप करने के लिए, है ना। तो लोगो आप ना लगाइए, आप सिंपली टेक्स्ट को रहने दीजिए। रिसाइज वगैरह तो लोगो हम तो ब्रांडिंग तो यहाँ पर किए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे एएमपी सपोर्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है एमपी यहाँ पर एनेबल रहे। सबसे पहले पोस्ट को तो मस्ट करना ही होगा, यानी कि आपका जो पोस्ट है आर्टिकल से उसमें जो है एमपी एनेबल्ड होना चाहिए। उसके बाद पेजेस पे भी एमपी एनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो होम पेज पे भी यहाँ पर एमपी एनेबल करके रखा है। बाकी आप चाहते हो कि कस्टम जो फ्रंट पेज होता है ना उस पर एमपी या फिर तो कैटेगरी अचीव वगैरह उसके ऊपर आप एमपी करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप अगर बाय डिफॉल्ट रहने दोगे तो ही अच्छा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एक्चुअल में थोड़ा सा गूगल के पेज स्पीड में आपको दिखा देता हूँ कैसा क्या कुछ यहाँ पर स्पीड वगैरह दे रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम यहाँ जो नॉर्मल जो ब्लॉग है लाइक यहाँ पर हम एएमपी को नहीं करेंगे, सिंपली नॉर्मल हमारा जो ब्लॉग है उसको हम दो जगह पर यहाँ पर टेस्ट करेंगे, देखेंगे स्पीड कैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पर जी टी मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड गूगल का जो पेज स्पीड इनिशिएट है वहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले देखते हैं दोनों को। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत चल रही है, लाइक जो जे टी मैट्रिक्स से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत चल रही है। तो हम सिंपली लेके चलते हैं जो पेज इनिशिएट है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो आफ्टर एनालाइजिंग द वेबसाइट इंटायर वेबसाइट आप लोग देख सकते हो कितना घटिया टाइप का यहाँ पर रेटिंग आ रहा है। 25 स्पीड मिल रहा है यहाँ पर ओवरऑल बात करें ऑप्टिमाइजेशन की, स्पीड की, सारे कुछ की। तो यहाँ पर ये इसका लाइक हाल है। अभी अगर हम एएमपी इंस्टॉल जो किया है यहाँ पर एएमपी को लाइक अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट करें, सिंपली आप अपने वेबसाइट का जो यूआरएल उसके बाद में एएमपी दे देंगे तो आपका जो है एएमपी वाला पेज खुलेगा। तो हम एएमपी को यहाँ पर एनालाइज करके देखते हैं कैसा क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। गुड, 78% यहाँ पर आया है एंड डेस्कटॉप में तो हमें पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, अप टू 90 to 100 आप देख सकते हैं फास्ट माना जाता है ना, तो हम लोग और भी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट पे तो देखो यार एडवर्टीजमेंट में बाद में आऊँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके आते हैं एसईओ पे, है ना।
तो देखो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर ऑफ है, अभी आपको ऑन करना होगा। एंड यहाँ पर एसईओ प्लगइन जो है ना आपको चूज़ करना है, आप कोई सा भी प्लगइन यूज़ कर रहे हो, ऑल इन ऑन एसईओ या फिर तो ईओएस, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पर से जो ये उठा लेगा, ठीक है। तो ये मस्ट आपको करना ही होगा। मेटा टैग्स आप लोग देख सकते हैं, यूएस एसईओ डिस्क्रिप्शन, इसको भी हम ऑन करते हैं, कॉन्कलेशन को भी हम ऑन कर देते हैं, ये सारी चीज़ों को हम ऑन कर देंगे। उसके बाद आता है पी डब्ल्यू ए प्रोग्रेसिव वेब ऐप है ना, तो इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि एक अलग से मॉड्यूल आता है जो कि एएमपी पे काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इसमें हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट में आता है परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस आप कैसे चाहते हैं, आप अगर मिनीफाई करेंगे कुछ कुछ चीज़ों को, लाइक जो सी एस एस होता है यहाँ पर जो स्टाइलिंग होती है उसको अगर आप मिनीफाई कर दोगे तो आपका जो स्पीड है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि गाइस ये हर एक के लिए आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करते तो कभी कभार जो है आपका एडवर्टीजमेंट जो है नहीं शो होता है, तो इसको आपको ऑन करके एक बार सेव पे क्लिक करके आपके वेबसाइट को देखना होगा। अगर काम करता है तो इसको ऑन रहने दीजिए, अगर नहीं काम करता तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिए। एनालिटिक पे आकर आप अपने गूगल एनालिटिक जो लाइक कोड है उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आप गूगल एनालिटिक यूज़ करते हो तो। नेक्स्ट में आता है स्ट्रक्चर डाटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर तो आप सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है स्कीमा, है ना। तो ये क्या करता है देखो यार गाइज, आप लोग बहुत सारे जगह पर देखे होंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने सर्च किया व्हाट्सएप एपीके तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेटिंग्स दिखा रहे हैं, है ना, रेटिंग्स दिखा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर और भी कई सारे कुछ दिखा रहे होंगे, फ्री एंड्रॉयड कम्युनिकेशन, है ना। ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना इसको कहते हैं स्कीमा कहते हैं इसको, गूगल के स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं इसको। तो आप अगर इसको इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली ये वाला चीज़ आप इजीली कर पाओगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो डाटा होगा उसका लोगो क्या होगा, तो डेफिनेटली आप अपना लोगो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। मोबाइल पे बहुत सारे जगह पर आप देखे होंगे सर्च इंजन पे यहाँ पर लोगो शो करते हैं, उसका थंबनेल वगैरह शो करते हैं। आपका जो लोगो है उसको आप सिलेक्ट करके रखिए। यहाँ पर डिफॉल्ट पोस्ट इमेज, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे ब्लैंक रहने देंगे तो आपका जो भी थंबनेल इमेज होगा वो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आप डेफिनेटली जो है कर लीजिएगा। ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉग पोस्टिंग, न्यूज़ आर्टिकल, बहुत सारे लोग न्यूज़ के आर्टिकल लिखते हैं ना, तो न्यूज़ ब्लॉग बनाते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली यार आप न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर सिलेक्ट करके रखिएगा अगर आपका न्यूज़ का वेबसाइट है। उसके बाद है आर्टिकल या फिर आपका वीडियो ऑब्जेक्ट है, रेसिपी है, प्रोडक्ट है, क्या है वो आप यहाँ पर से डिसाइड कीजिएगा। सिंपली ब्लॉग पोस्टिंग में ब्लॉग पोस्टिंग लिखिए, आर्टिकल तो आर्टिकल लिखिए, है ना, पेज भी आपको ऐसे सेम रहने दे सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल सा आप यहाँ पर कर सकते हैं। कस्टम लोगो साइज तो डेफिनेटली हम ऑफ करके रखेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली ऐसे रहने देने या फिर तो हम सेव कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे टाइम पर हमने सेव नहीं किया है, तो सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जाते हैं नोटिस बार एंड जीडीपीआर। देखो यार आप अगर चाहते हो कि हाँ हमारा जो कुकीज़ का जो नोटिस वगैरह आए तो वो सब कुछ दिखाई दे, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो कुकीज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, दिस वेबसाइट यूजिंग कुकीज़, तो इन सारे चीज़ को आप इनेबल मत कीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करता। तो एक तरीके से ऑन सिग्नल जो भी बंदे यूज़ करते आप, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं techreborn.com पे आया, तो यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन के लिए हमें पूछ रहा है। सिंपली हम अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो नोटिफिकेशन भेजेगा कोई भी अगर आर्टिकल डालेगा नया, तो उसका सिंपल सा यहाँ पर ऑन पे क्लिक करके जो भी एपीआई की है जैसे आप नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं वैसे आप इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर। तो इसको भी मैं यहाँ पर एनेबल नहीं कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट फोरम आपके पास अगर होगा तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कीजिए, वरना आप इसको भी छोड़ सकते हैं। कमेंट्स की बात करें तो देखो यार डिस्प्ले ऑन पेजेस तो नहीं, हम डिस्प्ले में कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे, ऑफ करके रहते हैं। डिस्प्ले ऑन पोस्ट ठीक है, वर्डप्रेस कमेंट को हम इनेबल करके रखेंगे, डिस्प्ले ऑन यूज़र अवतार इसको भी ऑन रखेंगे। एंड आप बाकी अगर चाहते हैं कि फेसबुक कमेंट्स या फिर तो डिस्कस कमेंट उसको इनेबल करके रखना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। ओके, इंस्टेंट आर्टिकल्स, देखो यार फेसबुक का एक फीचर है इंस्टेंट आर्टिकल्स, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन यार बकवास से सब कुछ नहीं करना चाहिए। हाइड एएमपी बल्क इसको भी नहीं करना है। एडवांस सेटिंग, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने को मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं मोबाइल रिडायरेक्शन, अगर आप चाहते जो भी आपका पर्टिकुलर जो भी आप लाइक यहाँ पर मोबाइल विजिटर है उसको फोर्सली एएमपी वाला थीम दिखाने के लिए, तो उसके लिए आपको इसको ऑन करना होगा। एंड जितनी भी लोग मोबाइल से विजिट करेंगे ऑटोमेटिकली जो एएमपी पेज है वहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक और चीज़, यहाँ पर चेंज इंटरनल लिंक्स टू एएमपी, यानी कि जितनी भी लिंक्स है उसको इंटरनल लिंक्स जो किए है पोस्ट में उसको आप एएमपी पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी आप यस पे क्लिक कर दीजिए, इसको भी आप ऑन करके रख दीजिए।
बाकी आप चाहते हो कि यार कुछ एएमपी के अंदर हेडर वगैरह के अंदर बहुत सारे कोड्स हमें डालने होते हैं एडसेंस वगैरह का, तो वो भी आप यहाँ पर से डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। तो ये एडवांस सेटिंग तक कंप्लीट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा डिज़ाइन पे, ठीक है। तो देखो ये डिज़ाइन पे आने के बाद ना यहाँ पर बहुत सारे थीम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रो थीम्स है ना, जैसे कि देख सकती है ये आईफोन का काफ़ी कमाल का थीम है, ये वाला मैगजीन का भी काफ़ी कमाल का थीम है। तो ये सभी प्रोफेशनल थीम है लेकिन ये एएमपी वर्जन है, ठीक है। तो ये लाइक प्लगइन यहीं से पैसा कमाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो फ्री थीम्स मिलते हैं, यहाँ पर तीन फ्री थीम होता है। एक है तो डिज़ाइन थ्री जो कि थोड़ा बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, मैं डेफिनेटली इसी को यूज़ करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद डिज़ाइन टू जो कि सिंपल इस तरीके से आता है, उसके बाद डिज़ाइन ऑन। तो ये आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ डिज़ाइन टू एंड डिज़ाइन जो है थ्री को, है ना। तो आप इनमें से कोई सा भी एक को चूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हमारे ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो लुक है वो कैसा दे रहा है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना आपको एएमपी वगैरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे डिज़ाइन के अंदर, ग्लोबल पे आते हैं। तो ग्लोबल पे देखेंगे यार जो आपका मेन जो कलर है वो यहाँ पर कैसे कौन सा कलर है ना। तो इसको अगर आप चाहते हो कि चेंज करना किसी दूसरे लाइक कलर पे तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं रहने दूंगा इस वाले कलर पे। उसके बाद आते हैं हेडर के ऊपर। तो हेडर का अगर आप चाहते हो कि नेविगेशन मेन्यू रहे ना रहे तो इसको भी आप कर सकते हो। उसके बाद सर्च, ये एक चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर सर्च बटन दिखे तो उसको भी आप इनेबल करके रख सकते हो। तो डेफिनेटली इसको एंड इसको आप इनेबल करके रखिए। बाकी बात करते हैं होम पेज की, तो होम पेज पे आप लोग तो देख सकते हैं जो फीचर स्लाइडर आ रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो स्लाइडर को ऑन करके रखना तो ऑन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो नहीं हमें हमारा स्लाइडर नहीं चाहिए तो उसके लिए आप ऑफ करके रख सकते हो। स्लाइडर ऑफ करके तो डेफिनेटली आपका स्पीड थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो इसको हमें ऑफ ही रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 22 घंटे पहले, 3 घंटे पहले जो है ना यहाँ पर दिखा रहा है। तो पब्लिश टाइम आपको इनेबल करके रखना, ये अच्छा बात होती है एक यूज़र के लिए। तो आए तो देखिए एडलास, हाँ भाई ऐसे ऐसे जो है ना यहाँ पर इतने देर पहले जो है पोस्ट किया गया ने, यानी कि ये बहुत ही एक्टिव ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर जो रीड मोर का बटन है वो होना चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पर से ऑन कर सकते हो। अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस जो यहाँ पर आए हैं। सिंपली हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे एंड देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है हमारा लेआउट बन चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम एक और बार देखेंगे, 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो रीड मोर का बटन भी आ चुका है। यहाँ पर रीड मोर का बटन मैंने एन करके रखा है तो इससे थोड़ा और लाइक विजिटर को आसानी होती है समझने में। उसके बाद सिंगल पे जाएंगे, यानी कि सिंगल में मतलब सिंगल पोस्ट में क्या कुछ दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो जो बहुत ही सिंपल वे में आपको आपका ब्लॉग जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ब्रैम कोड्स, ये जो है ना होम फिर स्क्रीन, इसको आप अगर इनेबल करके रखना चाहते हो तो सिंपली आप इसको इनेबल करके रखिए और ना ऑफ ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दीजिए तो आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप अगर शो करना चाहते हो पोस्ट मतलब कैटेगरी टैग्स वगैरह जो होते हैं उसको आप अगर शो करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर टैग्स भी शो कर रहा है और लाइक ऊपर कैटेगरी भी शो कर रहा है। तो आप अगर चाहते हो नहीं टैग्स नहीं शो करना चाहिए तो नए टैग को हटा दीजिए। उसके बाद देख सकते हो स्टिकी की सोशल मीडिया, सोशल जो मीडिया है यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया जो है आ चुका है ना। तो इसको आप अगर रखना चाहते हो रख सकते हो लेकिन यार बहुत ही इरिटेटेड लगता है, इसके लिए मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। उसके बाद देखते हो ऑथर बायो है ना, यहाँ पर देख सकते हो जो ऑथर का बायोग्राफी मतलब बायो जो है ना वो यहाँ पर है। इसको आप अगर चाहते हो कि नहीं नहीं शो करे तो आप इसको ऑफ कर सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन करके ही रखें, ठीक है। उसके बाद एकदम नीचे आते तो देख सकती हो रिलेटेड पोस्ट, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको रिलेटेड पोस्ट पे आना है, रिलेटेड पोस्ट पे आप सेटिंग कर सकते, टैग्स के थ्रू दिखेगा या फिर कैटेगरी के थ्रू रिलेटेड पोस्ट होगा, रिलेटेड पोस्ट में इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर से कर सकते हो लेकिन आप डिफॉल्ट रहने देंगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली आप जाना होगा फुटर में। फुटर में दो तीन चीज़ रहता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल राइट रिजर्व व्यू नॉन एएमपी वर्जन। तो आप अगर विजिटर को ये ऑप्शन देते हो कि हाँ भाई आप नॉन एएमपी वर्जन जो थीम है उसको भी आप शो देख सकते हैं, इसके लिए आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ये विजिटर को दिखे तो इसलिए मैं इसको ऑफ करूँगा। बैक टू टॉप ये वाला भी मैं इनेबल करके रखूँगा। क्रेडिट लिंक्स आप अगर चाहते हो जैसे कि देख सकते पावर्ड बाई एएमपी फॉर डब्ल्यूपी,
तो अगर क्रेडिट देना चाहते हो डेफिनेटली दे सकते हो, अगर आपको इसको नो फॉलो देना है तो नो फॉलो भी दे सकते हो, क्योंकि एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। मैं भाई कोई भी कुछ नहीं देने वाला हूँ, सिंपल ऐसे रखने वाला हूँ। पेजेस के मामले में आते हैं, पेजेस के बारे में आपको सिंपली सेम रखना, क्योंकि पेजेस में इतना कोई ध्यान नहीं देता है। सोशल मीडिया, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो सोशल शेयरिंग लिंक्स टू एमपी, आप अगर चाहते हो कि भाई सोशल मीडिया यहाँ पर एक्स्ट्रा आए, जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सोशल मीडिया ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल डिफॉल्ट रखना है। पोस्ट में भी कुछ नहीं करना है, माइक्स में भी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा काम हमारा जो ऑलमोस्ट बन चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा सेव करेंगे एंड हमारे ब्लॉग को देखेंगे कि कैसा लुक अभी आज फिलहाल के टाइम में दे रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं, ओके दैट्स इट। अब हम इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करेंगे कि देखेंगे इसका जो एमपी वर्जन है वो कैसे काम पे दे रहा है, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, जो कि 83% गया है ना। अब यहाँ पर इसका जो बहुत सारे चीज़ों यहाँ पर हमने चेंज किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका कारण थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते क्या रीज़न है। तो मेनली जो रीज़न है वो रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, जो हमारा सर्वर है वो थोड़ा सा स्लो है अभी आज क्या अभी शाम के टाइम, इसीलिए थोड़ा सा सर्वर का इश्यू दे रहा है, वरना ये अब आई थिंक 90% तो आ ही जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अगर इसे चाहे तो और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर अगर हम थीम टू को चूज़ करें तब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका जो लाइक पोस्ट का ये है ये कैसा आता है, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, आप लोग डेफिनेटली इसका जो पोस्ट मतलब होम पेज पे देख सकते हैं बहुत सारा आर्टिकल है, तो इसको अगर थोड़ा सा लाइक नॉर्मल रखेंगे 5 से लेकर 10 रखेंगे तो आई थिंक अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम घटा देते हैं, अब देख सकते हो हमारा जो वेबसाइट है बिल्कुल ही नॉर्मल बन चुका है, एकदम नॉर्मल, जो कि विजिटर को काफ़ी अच्छा लगेगा, लाइक जो इसको कंटेंट चाहिए ओनली ओनली कंटेंट मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने इसको सब कुछ आपके सामने कस्टमाइज किया है, एंड ये अभी जो विजिट दे रहा है 98%। तो इसमें गाइस आपका रैंकिंग फैक्टर में जो प्रॉब्लम रहता था, जो कि स्पीड का मामला था, वो अभी बिल्कुल गायब हो चुका है ना। आप लोग देख सकते हो एकदम 98%, और लाइक पीसी में तो 100% ही है। सो गाइस ऐसे करके आप अपने ब्लॉग को एकदम रॉकेट की तरह स्पीड दे सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 25% था, उसके बाद हमने किया 78% नॉर्मल जब एम पी इंस्टॉल किया थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बाद, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन जब दिया हमने तो 83% गया, एंड फाइनली देख सकते हो जब ये वाला डिज़ाइन एंड थोड़ा बहुत चेंजेस किया तो हमारा जो ब्लॉग है एकदम रॉकेट की तरह फास्ट हो गया। अब कोई सा भी यूज़र अगर आपके ब्लॉग में आएगा डेफिनेटली यार बहुत ही फास्ट लोडिंग होगा। अब यहाँ पर फाइनली आते हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में आने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए सेटिंग, उसके बाद क्लिक कीजिए एडवर्टीजमेंट में, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो एक एक चीज़ है, बिलो द हेडर साइड वाइड है ना, उसके बाद है बिलो द फुटर है ना। तो आप अगर चाहते हो यहाँ पर जो हेडर के नीचे वाला ऐड है ना, तो सिंपली आप इसको ऑन कीजिए, इसका साइज सिलेक्ट कीजिए कि कैसे साइड आपका साइज होगा। तो आप यहाँ पर से लाइक एएमपी का जो एड्स होता है वो 7:28 इस टाइप के होता है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, कोई सा भी एड यूनिट अगर आप क्रिएट करते हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमने एक रिस्पॉन्सिव ऐड क्रिएट किया है, सिंपली आपको ऐड कोड को कॉपी करना होगा, एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डेटा ऐड क्लाइंट का जो है ना वो आपको यहाँ पर देना है, यानी कि ये जो पब्लिशर का ये वाला चीज़ है ना, इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे एक और नंबर होगा जो ऐड स्लॉट का जो है ना कोड है, इसको भी आपको कॉपी करना होगा एंड यहाँ पर पेस्ट करना होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव ऐड यूनिट, क्या ये एक रिस्पॉन्सिव ऐड है, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिव ऐड है ना। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि अबव द कंटेंट पोस्ट, यानी कि पोस्ट के ठीक ऊपर, ये जो पोस्ट है इसके ठीक ऊपर, तो ये ऐड एंड ये ऐड दोनों सेम टू सेम है, आप या तो ऐड थ्री को यूज़ कीजिए या फिर ऐड ऑन को यूज़ कीजिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐड थ्री को यूज़ कीजिए यहाँ पर। उसके बाद ब्लॉग बिलो द पोस्ट कॉन्टेंट, यानी कि पोस्ट जब ख़त्म होगा है ना, यहाँ पर देख सकते हो एकदम नीचे आएंगे
यहाँ पर पोस्ट जब खत्म होगा वहाँ पर एक ऐड आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लिंक ऐड एंड जो बॉक्स एड्स होते हैं वही आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अबव द रिलेटेड पोस्ट, यानी कि ये जो रिलेटेड यहाँ पर एक एड्स होगा एंड यहाँ पर एक एड्स होगा, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर सिर्फ दो ऐड अगर आप एम पी पे यूज़ करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा होगा, ज़्यादा ऐड ना यूज़ करें तो ही बेटर है। एक और चीज़, आपको यहाँ पर जब ऐड यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से एक ईमेल आएगा एम पी एड स्लॉट का। ठीक है, यहाँ पर एक और नया सी चीज़ आ जाएगा जो कि एम पी एड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो एड्स फॉर एम पी, क्योंकि मैं इस पर पहले ही जो यूज़ कर चुका हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो एड्स फॉर एम पी, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे एंड सिंपली सेलेक्ट, यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं। आप लाइक एम पी इंस्टॉल करेंगे कुछ एक दो दिन के बाद ही आपको ये मिल जाएगा, ये वाला सेक्शन अभी आपके पास नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको ऑटो ऐड कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली देख सकते हो यहाँ पर दो कोड है। ठीक है, एक कोड जो है ना आपको पेस्ट दिस स्क्रिप्ट इन द हेडर टैग, आपको हेडर टैग में इसको इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एडवांस सेटिंग में बताया था कि आपको यहाँ पर कुछ कोड ऐड करने पड़ सकते हैं, तो जो एचटीएमएल हेडर टैग है इस पर आपको फर्स्ट कोड एंटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते बॉडी टैग, ये वाला जो है ना बॉडी टैग है, यानी कि आपको बॉडी का सेक्शन में इसको ऐड करना होगा। तो ये दो चीज़ आप ऐड कीजिए एंड सिंपली यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट में मैंने बोला, या तो फिर ऐड ऑन, या तो फिर ऐड थ्री, और नीचे वाले सेक्शन में या तो फिर ऐड सिक्स या तो फिर ऐड फोर, इन इन चारों में से किसी भी दो को यूज़ कीजिए एंड जो ऑटो ऐड है उसको यूज़ कीजिए। अब आपका जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का हो जाएगा ना, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एड्स जहाँ पर शो होना है वहाँ पर शो हो जाएगा। सो गाइस ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल एडसेंस को सेटअप करने का। अब यहाँ पर देख सकते हो जो है ना एडवर्टीज आ रहा है यहाँ पर कैसे किस तरीके से, तो ये लाइक काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऊपर भी एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है एंड नीचे की अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमें एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ठीक है, सो गाइस ये था पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ एम पी फॉर वर्डप्रेस। आई थिंक अभी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ डिस्क्लाइमर जो कि वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया अभी यहाँ पर एक साथ बता देना चाहता हूँ। देखो यार, एम पी इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि यार भाई हमारा यहाँ पर लाइक सर्च कंसोल में क्या करें, हम क्या कुछ सेटिंग करें, एम पी को कैसे सबमिट करें। कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, एकदम शांत बैठे रहो, अगर कुछ करना होगा तो गूगल खुद से कर लेगा। वो जब देखेंगे कि आपके ब्लॉग में एम पी है तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली यू आर एल जो है चेंज कर लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी एरर वगैरह आता है तो कुछ मत करो यार, सिंपली आपको ईमेल भी मिल जाएगा गूगल की तरफ से कि हाँ आपका जो है ये पेज एम पी एनेबल्ड है तो हम इसको भी ऐड कर रहे हैं। ऊपर से बात करें तो यार बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम भी होंगे कि हमारा जो एडसेंस का ऐड है वो एम पी एड्स हमें नहीं मिल रहा है, तो देखो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एटलास्ट 15 डेज तक टाइम दो, ऑटोमेटिक आपके जो वेबसाइट है उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, रैंकिंग पे भी, एडवर्टीजमेंट पे भी, और लाइक कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपको जैसे प्लगइन इंस्टॉल करना है, दैट्स इट, आपका काम बन गया। अब यहाँ पर गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इससे रिलेटेड और कौन से वीडियोस आप लोग चाहते हो कि मैं आपके सामने लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से सजेशन दीजिएगा, आपके सजेशन के हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया है। सो गाइस मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।